अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं इस्लामाबाद के इलाके लियारी में। नाज़रीन, ये लियारी का वो जंगल है जिसके बारे में काफ़ी लोगों ने बातें की हैं कि इसको क्रॉस करके एक मकान आता है अल मकान। लोगों ने ये भी कहा है कि उस मकान में बदबू रहती है। तू घबराएगा तो मैं कैसे करूँगा। हाँ तो नाज़रीन, मैं आपको बता रहा था कि यहाँ एक आदमी चौधरी शगाफ की तरह काला चश्मा लगाए हुए, हाथ में लालटेन पकड़े, मेंढक जैसी आवाज़ निकालते हुए आहिस्ता आहिस्ता जंगल से गुजर रहा था और एक घर में घुस जाता है। घर में घुस जाता है। और लोगों ने ये भी कहा है उस घर के बारे में कि जो उस घर में जाता है वो लूट लुटा कर ही वापस आता है। सामान तो गाड़ी में। हाँ हाँ, गाड़ी में गाड़ी में सामान तो ऑफिस का सामान है। खैर है ना, ऑफिस की गाड़ी है यार। हाँ हाँ, तो कहाँ से दोबारा छूटा। तो मेरे ख्याल से नाज़रीन, हम आपको ले चलते हैं, जो कुछ लोगों ने देखा वो हम आपको दिखाते हैं। तो क्या ख्याल है इजाद, चल चल चले चले चलो। तू आगे सर, तू नहीं नहीं तू आगे जा भाई, तू आगे सर। खैर नहीं 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 डर नहीं करनी, आगे चलो। अच्छा अच्छा, हाँ देखे देखे वापी कर लेगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि मौसम ने बोला है। हाँ तो खड़ा नहीं लगा मुझे, डर तो मुझे भी लग रहा है। चल घर चलते। हाँ नहीं 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 नहीं, अबे घर चलेगा तो भाई वो फिलहाल पैदल को प्रोग्राम बना के कौन देगा, वो डिप्रेस टीवी से निकाल यार। ये भी एक डिप्रेशन है, और वैसे भी हमारी कोई पर्ची तो है नहीं, हमारे तो सारे रिश्तेदार गरीब हैं। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं। अल्लाह मालिक, चल 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 चल, डर नहीं यार, डर नहीं, मैं हूँ तेरे साथ। चल यार, अपना राग अगर वो रूह हमारे अंदर घुस गई तो हमें भी सियासत में आना पड़ेगा क्या। अब यार लोगों को डराने के चक्कर में बहुत डर लग रहा है मुझे, सही लग रहा था। अबे नहीं 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 नहीं, देख मैं डर रहा हूँ। हाँ तुझे तो डर ही नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, नाज़रीन। हाँ तू नाज़रीन, नाज़रीन आपको कैसे अंदाजा है कि हमारी क्या हालत हो रही है। आप इधर हो तो आपकी भी होती। हाँ है तेरी तेरी है, मुझे बुला कर। नाज़रीन हम उस घर की तरफ जा रहे हैं और वो घर चंद ही फासलों पर रह गया है। नाज़रीन वो घर अभी सिर्फ 15 से 30 फीट दूर रह गया है और हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अरे भड़क रहे हैं, हम तो पीछे जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, नाज़रीन नाज़रीन हम उस घर के अंदर आ चुके हैं जिस घर के बारे में लोगों ने कहा था कि इस घर में बदबू है। अब हम उस घर के अंदर हैं, तो एक काम करते हैं मकान। हाँ तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हें पीछे से कवर करता हूँ। मैं अंदर चला जाऊँ, मैं हर दफा खौफनाक जगह पे मुझे अंदर कर देते हो। और बता रहा हूँ इंक्रीमेंट बढ़ेगा, मैं पैदल को सब कुछ बता दूंगा कि तुम्हारी नौकरी पक्की करने के लिए मौसम ने तुम्हारी सीवी में जबरदस्ती ग्रेजुएशन लिखा था, हालांकि तुम बीएससी में मास कम्युनिकेशन हो। कैमरामैन सुन लेगा। और वैसे भी मेरी बदरू से नहीं बनती। बदरू से नहीं बनती? हाँ तो भाई मैं क्या करूँ, मैं नहीं जा रहा, मुझे डर लगता है यार। तुम जाओ, तुम चलो आगे चलो। भाई तुम आगे जाओ ना, मैं क्यों जाऊँ। तुम मुझे बोलोगे तुम आगे जाओ, मैं तुम्हें पीछे से कवर करूँ। हाँ, एक मिनट
भाई तुम आगे जाओ, मैं पीछे से तुम्हें कवर करूंगा। भैया ठीक है, हम चलेंगे यार, मैं तो मजाक करूं। अच्छा चल, फिर थोड़ा साथ चलते जो देखा जाएगा। चलो ठीक है। रोने की आवाज कहाँ की आ रही है? रोने की आवाज? हाँ, बच्चा रो रहा है यार। वो एक्चुअली मेरी वाइफ गई हुई ससुराल है, तो वो मेरा छोटा वाला बेटा है ना, तो उसको मैं अपने साथ में, वही रो रहा होगा, उसको निकाल के सब कराते हैं। यार तू बीवी देख ले, नौकरी देख ले, चल दे। तो नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती है शो करने के लिए, तो एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो नाज़रीन, हम खड़े हैं उसी घर के बाहर जिसके बारे में लोगों ने कहा है कि इस घर में बदबू रहती है। मैं तो नहीं डर रहा। नहीं बिल्कुल नहीं डर रहा, मैं भी जा रहा है। एक काम करते हैं, वापस ऑफिस चलते हैं और उसको बोल देंगे पैदल को कि भाई हमें कोई और काम दे, भाई हमसे नहीं होता, या तो हमें सीईओ बना दे। हाँ यार देख तो सही, हर आसान आसान कामों पे बॉस अपने रिश्तेदारों जानने वालों को रखा हुआ, ये कोई बात है यार? सही बात है यार, ये काम पकड़ा थी। चल कोई बात नहीं, दोबारा हिम्मत करते हैं। नाज़रीन, हम घर की तरफ बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कि आप देखें आहिस्ता 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 आहिस्ता। जैसे कि आपने देखा एक आवाज आई है अंदर से, और ना जाने किस चीज की आवाज थी, बड़ी खतरनाक आवाज थी, और हम फिर कोशिश करेंगे अंदर जाने की। एक दफा फिर से हम उस घर के अंदर जा रहे हैं जिसके बारे में लोगों ने कहा था कि यहाँ पे बदबू है। चलते 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 यहाँ तक आगे तो अंदर भी चलते हैं, समझो अपने घर है। अच्छा जैसे कि हमने देखा अभी चौधरी शिदाफ की रूह यही पर थी एकदम से गायब हो गई, उसके बाद कहाँ गई हमें नहीं पता। एक काम करते हैं, मीटर से चेक करते हैं। अबे ये तो कैलकुलेटर है यार, ये तो कर मीटर नहीं, सारे ताले लगा दिए। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा चौधरी शिगाफ की रूल नहीं करती और वो गायब हो गई, अब हम मीटर से चेक करते हैं और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये रूल किधर गई है। कुछ आ रहे हैं मीटर रीडिंग के हिसाब से चौधरी शिगाफ की जो रूह है वो इसी साइड पे होगी, अलमकान। हाँ इसी साइड पे होगी। जी 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 जी, तो इधर चलते हैं। चले 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 चले। अभी चलो कैसे लग रहा है? अभी लग रहा है? लग रहा है, लग रहा है। वो कहाँ पे है? उसको खोलो, उसमें कहीं चौधरी शिगाफ के रूम पेपर के जरिए तो कुछ कहना नहीं चाहिए। नाज़रीन, पेपर आगे गिरा है और ये पेपर इस साइड से आया, हम इस साइड से जाएंगे, यकीनन इसमें कोई मैसेज है चौधरी शिगाफ कहना चाह रहे।
यार इसमें तो जुगन काजिम का नाम और फोन नंबर है। हाँ ये यहाँ कैसे आया? ये तो मैं सुबह मॉर्निंग शो में गिरा के आया था। खैर नाजरीन ये अजीब सा मजाक है, खैर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौधरी शिवराज के लिए किस सड़क पर है। चलते हैं, चलो चलो तुम जाओ। अब्बू कहाँ जाएंगे?